युवा शक्ति किसी भी देश की ताकत होती है। इसी तथ्य के मद्देनजर केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के अंतर्गत युवक युवतियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजी रोटी कमाने के लायक बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण के साथ ही युवाओं को वित्तीय सहायता व ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे कि वे अपने स्वयं के उद्यम स्थापित कर सकें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का कौशल विकास कार्यक्रम एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। कौशल विकास योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार कुशल कारीगरों की पूरी एक फौज तैयार कर रही है। ऐसे प्रयासों से बड़ी कंपनियों को प्रतिस्पर्धी बनाया जा सकता है और श्रम की गरिमा को सुनिश्चित किया जा सकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी कौशल विकास योजना के तहत कई तरह के प्रशिक्षण युवकों और युवतियों को दिए जा रहे हैं। योजना का वित्त पोषण केंद्र सरकार कर रही है, इसलिए बड़ी संख्या में युवक युवतियां इस अभिनव प्रशिक्षण योजना की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। वाराणसी में कौशल विकास योजना में उन छात्र छात्राओं को भी प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है जो अभी स्कूल में हैं। कुछ संस्थाओं और बैंकों की मदद से विद्यालयों में कौशल विकास के लिए अभिरुचि पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। पंजाब नेशनल बैंक ने CSR कार्यक्रम के अंतर्गत बनारस जिले के 5 स्कूलों को अडॉप्ट किया है, जिसमें प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर हमने इन 5 स्कूल में स्मार्ट स्कूल बनाया है। ये स्मार्ट स्कूल क्रिया लर्निंग एवं रिसर्च के सहयोग से बनाए गए हैं। इन स्कूलों में बच्चों की क्रिएटिव लर्निंग को हम लोग का विकास कर रहे हैं, जिससे वो रियल टाइम जो चीज़ें हैं, जैसे ट्रैफिक का प्रॉब्लम है बनारस शहरों में, उसके लिए वो मॉडल्स बना सकें और उसके लिए कोई सजेशन दे सकें। इन स्कूलों से मैं जहाँ भी हमने स्मार्ट कक्ष बनाए हैं, स्मार्ट क्लासेस बनाए हैं, उसमें बच्चों की क्रिएटिव चीज़ें का विकास होगा, जिससे वो एक देश के लिए अच्छे नागरिक बन सकते हैं और अपनी जो बच्चों की जो सोच है उससे देश को आगे विकास के लिए ले जा सकते हैं। इस कार्यक्रम में पंजाब नेशनल बैंक ने लगभग हर स्कूल में लगभग 16 लाख रुपए का खर्चा किया है। इन 16 लाख रुपए में एक हम लोगों ने टीचर अपॉइंट किया है और साथ के साथ स्कूलों में टैबलेट दी गई हैं, क्लासरूम का डेवलपमेंट किया गया है, कंप्यूटर दिया गया है, LCD प्रोजेक्टर दिया गया है। ये प्रयोग पहले हम लोगों ने 1 साल के लिए किया था और इसकी सफलता होने के बाद हम लोग इसको आगे भी बढ़ाएंगे। स्कूलों में ऐसे प्रयासों का सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। छात्र छात्राएं बड़े उत्साह के साथ निःशुल्क चलाए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भागीदारी कर रहे हैं। हम लोग उसमें कुछ रोबोटिक इंजीनियरिंग कुछ नया सीख रहे हैं इसमें, और ये हम लोग जैसे इसका ट्रेनिंग छोटे पे ले रहे ताकि बड़े का कोई प्रॉब्लम ना हो, और बहुत अच्छा भी लग रहा है ये इसमें। इस स्कूल में हमें यहाँ क्रिया क्लास में यहाँ मैम हम लोग को रोबोट और कई भी इंटरेस्टिंग चीज़ों की ज्ञान देती हैं, नॉलेज देती हैं। हमें ये सब बनाते हुए इंटरेस्टिंग भी लगता है और बहुत अच्छा भी लगता है। विद्यालयों के प्रधानाचार्य और प्रशिक्षक ऐसे छात्र छात्राओं में एक अभिरुचि पैदा कर रहे हैं, जिससे कि स्कूल जीवन में ही उन छात्र छात्राओं में एक सोच पैदा हो सके और ये भावी युवा स्वयं में रोजगार लेने और देने की क्षमता विकसित कर सके। बिसाइड एजुकेशन के अलावा ये इसमें बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और नई नई चीज़ें सीखते हैं। इस प्रोग्राम का उद्देश्य ही बच्चों का कौशल विकास करना है। बच्चों को आगे कोई दिक्कत ना हो उसके लिए हम अभी से उनको तैयारी कराते हैं और इसी में हम उनको इंस्पायर करते हैं कुछ नया करने के लिए, कुछ इनोवेटिव करने के लिए। हरिश्चंद बालिका इंटर कॉलेज में PNB के सौजन्य से हमें क्रिया लर्निंग के माध्यम से 21st Century स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें कि छात्राओं को डिजिटल मीडिया, रोबोटिक्स, इंजीनियरिंग की रुचि पैदा की जा रही है आगे, ताकि इन्हें अपने कैरियर फील्ड चूज करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना असंगठित क्षेत्र के उन कारीगरों के लिए भी एक सौगात है जो किसी वजह से अपने कौशल का उन्नयन नहीं कर पा रहे थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश में बिखरी फैली पारंपरिक हस्तकलाओं का विकास करने, पुरानी थाती को सहेजने और शिल्प की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने के उद्देश्य से कुछ नया करने का निर्णय लिया। फलस्वरूप हस्तशिल्प और हस्तकला के क्षेत्र में उस्ताद यानी अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स क्राफ्ट्स फॉर डेवलपमेंट की शुरुआत की गई। वाराणसी सदियों से अपने हस्तशिल्प उत्पादों के लिए पूरी दुनिया में विख्यात रहा है। बनारसी साड़ी एवं अन्य वस्त्र वाराणसी की पहचान रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न हस्तशिल्प उत्पादों के लिए भी वाराणसी जाना जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उस्ताद योजना के अंतर्गत हस्तशिल्पियों के कौशल उन्नयन के लिए वाराणसी को प्राथमिकता की सूची में रखा। प्रशिक्षण कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सरकारी विभागों, बैंकों और स्वयंसेवी संस्थाओं को उस्ताद योजना से जोड़ा गया। कारीगरों को बाजार की मांग के अनुरूप उत्पादों को तैयार करने के लिए डिजाइनिंग की विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। इन लोगों को डिजाइने जो है बना करके दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं कि जो है अच्छे से अच्छा जो है काम बन सके। हस्तशिल्प के क्षेत्र में कार्यरत पुराने कारीगरों उस्तादों को भी परंपरा के साथ आधुनिकता का समावेश करने के उद्देश्य से इस अभिनव योजना से जोड़ा गया। हम लोग इस हुनर को आगे ज्यादा से ज्यादा ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और कर रहे हैं, करते रहेंगे कि ये कला जिंदा रहे और हमेशा कायम रहे। इससे हमें और हमारे युवाओं को, बच्चों को अच्छे से अच्छा रोजगार मिले और आगे तरक्की बढ़े और हमारे देश की तरक्की हो। इसमें नई पीढ़ी के साथ ही पुराने कारीगरों को प्रशिक्षण दिया गया। कौशल विकास प्रशिक्षण का लाभ अब हुनरमंदों को मिल रहा है। गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है। मैं ये चाहता हूँ कि ये कला और आगे बढ़े और इस क्षेत्र में जो है मास्टर ट्रेनर नए नए आए और नए नए सीखने वाले आए। उस्ताद योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित हस्तशिल्पियों को बैंकों से ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की गई है। केंद्र सरकार द्वारा पारंपरिक कला को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए उस्ताद योजना को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से जोड़ने के फलस्वरूप कारीगरों को काफी लाभ हो रहा है। जहां कारीगरों का परंपरागत पेशे से पलायन रुका है, वहीं नई पीढ़ी में पारंपरिक पेशे के प्रति आकर्षण भी पैदा हुआ। इससे बनारसी वस्त्र उद्योग और हस्तशिल्प को एक नया जीवन मिला है और अब पारंपरिक कला की दुनिया एक बार फिर से रोशन हो रही है।